So hello there and welcome back to the channel everyone. This is Speedy Leo and welcome to this new video. So guys, as you can see our RC390, जैसे आप लोग ने देखा लास्ट सैटरडे को हम लोग ने इसका डिलीवरी लिया था एंड हियर इट इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस इन ऑल इट्स ग्लोरी. तो गाइस अभी थोड़ा आप लोग को मैं वॉक अराउंड दे देता है थोड़ा डिटेल में गाड़ी कैसा दिखता है. सो ये है उसका बैक पोर्शन. इसमें टेल हगर आया था रियर टायर हगर, मैंने वो निकाल दिया. बाकी गाड़ी एकदम नीट एंड क्लीन है जैसे कि 2020 का गाड़ी था. फ्रंट वाला पोर्शन इसका आगे का नंबर प्लेट पहले से नहीं है एंड मेरे को वैसे भी चाहिए नहीं था, मैं निकालने वाला था. एंड टायर इसमें सियाट का है, 2021 का ही टायर है इसके अंदर. पीछे वाला 53rd वीक ऑफ 2020 है एंड आगे वाला 13th वीक ऑफ 2021. बाकी गाड़ी तो एकदम क्लीन है एंड ये अपना पायलट वाला किचन थोड़ों पे कितना हुआ है. यस गाइस, एज यू कैन सी 278 एंड जब भी मैंने डिलीवरी लिया था गाड़ी का तभी 102 ही था सिर्फ. एंड ये BS4 वाला वेरिएंट है तो गाड़ी जैसे चालू होता है तो हेडलाइट भी ऑन हो जाता है इसका. बाकी एकदम क्लीन कंडीशन में गाड़ी, कुछ भी काम नहीं है इसके अंदर. एंड जैसे कि आप लोग ने देखा गाड़ी का किलोमीटर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, 1000 नहीं हुआ है अभी तक, तो अभी मेरे को इसका ब्रेकिंग भी करना पड़ेगा. बाकी ओवरऑल गाड़ी बहुत सही चलता है, एकदम प्लांटेड और बहुत क्रिस्प. इसका राइडिंग क्वालिटी एकदम क्लीन है, एकदम एजाइल बोल सकते हैं. सो अभी हम लोग इसको चला के देखेंगे. सो हियर इट गोस, फर्स्ट राइड ऑन द RC390. एग्जॉस्ट नोट आपको सुना देते हैं. क्लीन, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग. 3 साल से मैं ये गाड़ी का वेट किया, ऐसे ही नहीं किया, बहुत कुछ सोच समझ के किया था. ये गाड़ी का पावर ने मेरे को एकदम फैन बना दिया था ये गाड़ी का. अभी गाड़ी का 1000 किलोमीटर हुआ नहीं है तो ज़्यादा एग्रेसिवली भगा नहीं सकते इसको, नहीं तो रेड लाइन करने में ये गाड़ी को बहुत मज़ा आता है, लेकिन अभी हम लोग को करेंगे नहीं. तो गाइस मैं आप लोग को ज़रा रीज़न बताता हूँ मैंने ये गाड़ी क्यों लिया. अभी जैसे कि आप लोग को मालूम है, यस कैमरा चालू है, कंफर्म करके लिया मैं, खुद से तो बात नहीं कर रहा है. तो जैसे कि आप लोग को मालूम है ये गाड़ी का BS3 वाला वेरियंट भी आता है जो सबसे पावरफुल वाला वर्जन था RC में. इनफैक्ट जो KTM का 390cc में जो BS3 वाला जितना भी गाड़ी था, या 200 ले लो कोई भी गाड़ी, BS3 वाला जितना भी था सब बहुत एग्रेसिव था. वो तो एक प्लस पॉइंट था कि वो बहुत एग्रेसिव था एंड उसका डाउनसाइड ये था कि वो बहुत ही अनरिलायबल था, मतलब उसको चलाने में उतना मज़ा नहीं आता था. कितना भी आप काम कर लो उसके ऊपर वो गाड़ी रफ ही चलता था, वो स्मूथनेस नहीं मिलता था उसके अंदर. एंड ये गाड़ी बहुत स्मूथ चलता है, थोड़ा सा पावर ड्रॉप है, एकदम माइनर बोल सकते हैं, नोटिसेबल डिफरेंस नहीं है. वो भी आपको अगर बहुत ही पावर का क्रेज़ है तो आप लोग इसके अंदर पावरट्रॉनिक्स डाल के, क्विक शिफ्टर डाल के आप इसको पूरा फुल मैड मशीन बना सकते हैं. लेकिन रोड पे चलाने के लिए ये इससे बेस्ट स्पोर्ट्स बाइक कमिटेड पोजिशन वाला मार्केट में अभी कुछ भी नहीं है. RC तो डिसकंटिन्यू हो गया, निंजा है लेकिन निंजा को प्रॉपर स्पोर्ट्स नहीं बोल सकते, वो टूरिंग में आता है. मतलब उसको आपको स्पोर्ट्स बनाने के लिए और उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, जैसे कि उसका हैंडल बार नीचे डाल करना पड़ेगा, टायर्स अच्छा डालना पड़ता है उसके अंदर, पावरट्रॉनिक्स वगैरह वगैरह डाल के. मतलब आपने जैसा शोरूम से वो गाड़ी को निकाला और ये गाड़ी को निकाला,
आप इसको डायरेक्ट ट्रैक पे लेके जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो ये बात है, इसीलिए मैं ये गाड़ी का फ़ैन है, क्योंकि जो इसका रॉ पावर, अभी मेरे को मालूम है ये गाड़ी का डाउन साइड बहुत है, जैसे कि एग्रेसिव राइडिंग पोजीशन है, हीट होता है, लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम कि ये जो सब गाड़ी का ये ट्रेड्स है, मतलब ये जो सब पॉइंट्स है, ये एक्चुअल स्पोर्ट्स बाइक का यही खासियत रहता है कि ये सब चीज़ रहता ही है उसके अंदर। गाड़ी हीट करता है मतलब पावरफुल है, एग्रेसिव है, इसका सिटिंग पोजीशन मतलब प्रॉपर आपको फील देगा, हाथ पे पीठ पे अगर पेन आ रहा है तो आने दो, अच्छी बात है, आपको वो एक्सपीरियंस मिलता है प्रॉपर एक स्पोर्ट्स बाइक चलाने का। एंड आपने अगर रिव्यूज़ देखा रहेगा ये गाड़ी का, तो बहुत लोग जो बड़ा बड़ा बाइक्स उठाते हैं, जैसे कि ZX10R, R1 वगैरह वगैरह, डुकाटी, पानीगाले, ये वो जो सब, लिजिट उन लोग बोलता है ये गाड़ी को छोटा डुकाटी। रीज़न बीइंग इसका जो कैरेक्टर है गाड़ी का, मतलब जो लोग बड़ा बड़ा गाड़ी चलाते हैं उन लोग को अगर थोड़ा कम सीसी में, 300 सीसी क्लास में उनको एक एग्रेसिव मशीन चाहिए जो प्रॉपर वो स्पोर्ट्स बाइक का फील दे, लोग यही गाड़ी को अभी भी आज भी लेता है। इसलिए आप लोग को, जैसा कि आप लोग को मालूम रहेगा, जो 2022 में जो आने वाला है RC, उसके लिए इतना हाइप क्यों था, क्योंकि वो गाड़ी के लिए बहुत लोग को एक्सपेक्टेशंस हाई था। पावर वगैरह के हिसाब से वो गाड़ी बहुत सही आया है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, बस खाली लुक्स में मार खाया वो गाड़ी आगे से, पीछे से बहुत शार्प दिखता है वो गाड़ी, बहुत अपडेटेड मतलब अच्छा दिखता है, लेकिन मेरे को मज़ा नहीं आया। एंड मैं वो गाड़ी बहुत टाइम से देखा भी था, मेरा भी मतलब मन था कि मैं सोचूं, मेरा भी मन था कि वो गाड़ी आएगा कैसा दिखेगा, लेकिन नया गाड़ी लेने में मेरे को कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था अभी के टाइम पे। तो जो हिसाब से गाड़ी का प्राइस बढ़ रहा है, भाई साहब एक कॉमन मैन को गाड़ी लेने का मतलब अभी ईजी नहीं हो गया है। अभी ये गाड़ी मेरे को बहुत अच्छा डील में मिला, आई एम सॉरी मैं प्राइस डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन बहुत अच्छा डील में मिला। 2020 का गाड़ी सिर्फ 100 किलोमीटर चला है, क्या बोलते हैं उसको, और एंड अभी 3.5 लाख रुपया RC का प्राइस जा रहा है। 390 cc का कोई भी गाड़ी 340-350 तक जाता है, ADV तो भाई 4 लाख तक शायद से है, कमेंट्स में ज़रा बताओ एग्जैक्ट क्या प्राइस है उसका। तो नया गाड़ी लेने का प्रॉब्लम अभी ऐसा है, एंड मैं भी मेरा फ्रेंड्स लोग को सजेस्ट नहीं करता है नया गाड़ी लेने को, अभी मैं उसके ऊपर भी अभी मैं आएगा धीरे धीरे, नया गाड़ी कौन सा लेना चाहिए एंड कौन सा नहीं लेना चाहिए मैं आप लोग को वो भी बताता है। अभी जैसा KTM है एंड बहुत सारा गाड़ी, मेजॉरिटी गाड़ी आपको नया नहीं लेना चाहिए, यूज्ड में उठाओ। एंड अभी आजकल के टाइम में पब्लिक इतना नॉलेजेबल हो गया है, जागरूक हो गया कि वो लोग कि भैया यूज्ड गाड़ी में भी अच्छा कंडीशन का हमको क्या क्या चीज़ देख के हमको पता चलता है। आप YouTube पे भी जाएंगे तो आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। एंड सेकेंड हैंड गाड़ी लेने का मेन फ़ायदा जो है वो है आपका प्राइस डिप्रिशिएट नहीं होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैंने वो गाड़ी RC 390 3.5 लाख में अभी का टाइम में लिया, एक दो साल के बाद में मेरे को एवरी ईयर 25-30% उसका प्राइस डिप्रिशिएट हो जाएगा। एंड अगर वही मैंने यूज्ड में कोई गाड़ी उठाया तो उसका प्राइस उतना नहीं गिरता है कंपेयरिंग विद द न्यू प्राइस। तो वो बात है, नया गाड़ी में आपका पैसा ज़्यादा लॉस हो जाता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा टाइम चलाएंगे उसको, बहुत साल तक, जैसे कि चार साल पाँच साल तक आप गाड़ी को चलाने वाले, तो ठीक है आपको उसमें वारंटी वगैरह बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन मैं तो प्रेफर करेगा हमेशा यूज्ड में ही। फिर आते हैं हम, जैसा कि नया गाड़ी का मैंने बोला, नया गाड़ी एक एक गाड़ी रहता है जिसका कभी प्राइस गिरता ही नहीं है। एंड उसमें से आता है रॉयल एनफील्ड का बाइक्स, रॉयल एनफील्ड का जैसा आप लोग को मालूम है ब्रांड इमेज हो गया है। अभी हम लोग ने ये गाड़ी देखने के टाइम में बहुत सारा शोरूम में राउंड मारा था, तो ऐसे ही कुछ एक दो शोरूम में हम लोग ने हिमालयन का प्राइस निकाला, क्योंकि आदित्य AKA ऑटोमोटिव राइट विथ आदि, चैनल इन द लिंक, डू सब्सक्राइब टू हिज चैनल। एंड रोहन मौर्या AKA द पिलियन बॉय, बिल्डर बॉय पिलियन अपने साथ में जो आते हैं हमेशा, वो दोनों को हिमालयन लेने गए। एंड हम लोग मार्केट में हिमालयन का प्राइस भी निकाल रहे थे, एंड भाई साहब देखो हिमालयन का नाम लिया, हिमालयन सामने, अमेजिंग। तो हिमालयन का प्राइस गिरता ही नहीं है,
मतलब गाड़ी किलोमीटर्स चला हुआ है अच्छा खासा, 10-10, 15-15 हज़ार किलोमीटर चला हुआ है, 2019-2020 का गाड़ी है, लेकिन प्राइस गिरता ही नहीं है। तो हम लोग को तभी समझ गया कि भैया ये गाड़ी को नया लेने में ही भलाई है। अभी फॉर एग्जांपल 2019 का गाड़ी मैंने देखा था, 11,000 किलोमीटर कुछ तो चला था एक शोरूम में, और उसका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहेगा। वो गाड़ी का प्राइस था 2,10,000। अभी आप लोग मेरे को बताओ 2.5 लाख में तो नया गाड़ी आता है, भैया वो नया गाड़ी क्यों नहीं लेगा, ये यूज्ड में क्यों लेगा। तो यही बात है, कुछ कुछ गाड़ी यूज्ड में लेना चाहिए एंड कुछ कुछ नया में लेना चाहिए, इसलिए हमने ये गाड़ी को यूज्ड में लिया। लेकिन ये गाड़ी यूज्ड में गिनती में नहीं होता है, क्योंकि जिसने लिया लगता है वो आप मेरे लिए लिया था, उसने गाड़ी लिया चलाया भी नहीं है एंड मेरे पास आ गया है गाड़ी, तो ऑलमोस्ट अपने लिए तो ये नया ही गाड़ी है, क्योंकि मेरे को अभी इसका ब्रेकिंग न्यूकिंग सब करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट नया गाड़ी जैसा ही मेरे को इसको ट्रीट करना पड़ेगा। अगर आपने गाड़ी का डिलीवरी वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर अभी आई बटन पे आ जाएगा, ज़रूर चेक कीजिए, बहुत अमेजिंग वीडियो है एंड आप लोग का फीडबैक शेयर कीजिए उसके ऊपर। सो गाइस, जैसे कि फाइनली अपने फैमिली में RC 390 आ गया है, तो अभी बहुत सारा राइड्स होएगा इसके ऊपर, मॉड्स ज़बरदस्त होने वाला है, बहुत सारा पार्ट्स मैंने ऑर्डर किया है इसके लिए, एकदम इसको राइस नहीं करने का है मेरे को, लेकिन यू गेट द पॉइंट, टेस्टफुली मॉड करेंगे इसको, आप लोग को ज़रूर मज़ा आएगा देखने के लिए। सो अंटिल देन, दिस इज पीडी लियो, गुड बाय, टेक केयर एंड पीस, राइड सेफ।